और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर अकोला से है। अन्न और औषधि विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। अकोला में दो व्यापारियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। दो अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की गई है और इस छापेमारी के दौरान लगभग 486 किलो नकली मिठाई का जखीरा बरामद किया है और जांच के लिए अब सैंपल भेज दिए गए हैं। मामले की जांच में पूरा विभाग जुटा हुआ है। अन्न और औषधि विभाग लगातार जांच कर रहा है। दिवाली का त्यौहार नजदीक है और ऐसे में जो है नकली चीजों की कालाबाजारी बढ़ जाती है और बड़े उत्साह के साथ देशवासी दिवाली की तैयारी भी इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही इस तरीके की ये खबर सामने आई है। लेकिन लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने के लिए नकली मिठाइयों की कालाबाजारी जमकर हो रही है। अकोला के अन्न और औषधि विभाग ने अकोला में दो अलग अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए लगभग 486 किलो बनावटी नकली मिठाई का जखीरा लाखों के मुद्दे माल के साथ जब्त किया है। एक कार्रवाई निजी लग्जरी स्टैंड निम्बाड़ी परिसर में की गई है। अनिकेत प्रफुल्ल कुमार सेठ रहवासी कामर गांव और करंजलाल जिला वाशिम की इंडियन स्वीट विकास पन मिठाई के नमूने और अकोला की हरिहरपेट में शुभम रामसरन पांडे के स्वामिग्रह उद्योग से स्पेशल बर्फी श्रीकृष्ण ब्रांड के सैंपल की प्राथमिक जांच की गई तो पैकेट पर लॉट नंबर उत्पादन तिथि और सिंबल नहीं होने के कारण साथ ही मिठाई में शुद्ध मावा मिलाए बिना ही बनावटी मिठाई होने की वजह से उन्हें आगे की जांच के लिए भेज दिया गया। तो ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं दोनों व्यापारियों के लगभग 486 किलो बनावटी मिठाई को जब्त कर लिया गया है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच अन्न और औषधि विभाग लगातार कर रहा है। इस खबर से नागरिकों में हड़कंप भी मच गया है क्योंकि दिवाली का त्यौहार नजदीक है और ऐसे में लगातार लोग जो है बाजारों का रुख कर रहे हैं, मिठाई खरीद रहे हैं। नकली मिठाइयों को लेकर दहशत निर्माण हो गई है। तो अकोला से यह खबर आपको बता रहे थे जहां पर छापेमार कार्रवाई की गई और उस दौरान बड़ी मात्रा में नकली मिठाई का जखीरा बरामद किया गया है। तैयारियां जोरों पर है और सबसे ज्यादा इसमें महत्व होता है खाने पीने की वस्तुओं का, मिठाइयों का और इसी में मिलावट का लेकर जोर पकड़ा जा रहा है। इसी को लेकर अकोला अन्न और औषधि विभाग द्वारा कल आज दो बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें लाखों रुपए का मिठाई नकली मिठाई यहां पर इन्होंने जब्त की है। आपको बता दें कि लखनऊ बस स्टैंड से माहिती मिली कि बाहर से कामर गांव के एक व्यापारी द्वारा नकली मिठाई का जखीरा यहां पर अकोला में भेजा गया है जिसकी जांच करने पर उसमें पूरी तरह मिलावट होने की जानकारी सामने आई है। साथ ही साथ अकोला के रेल गेट के एक स्ट्रीट मार्ट की दुकान पर भी छापेमारी की गई है जिसमें भी काफी हद तक मिलावट बहुत ज्यादा होने की जानकारी सामने आई है। जिसके बाद अन्न और औषध विभाग ने दोनों के सैंपल लेकर और मिठाइयों को जब्त करकर सैंपलों को तफ्तीश के लिए भेज दिया है। कैमरामैन धन गोपाल।